365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल, विश्वास बीज का रहस्य क्या है? ईश्वर या कुदरत के काम करने का तरीका क्या है? What is the secret of the seed of faith? How does the divine law of manifestation function? बीज डाले जाते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए, बीज डाले जाते हैं कई गुना बढ़ाने के लिए, बीज बिना कुदरत कैसे काम करेगी, कुदरत किस बात के लिए वेट करती है, जो बीज प्रोया जाता है बोया जाता है वही अनेकों गुना हजारों गुना लाखों गुना करोड़ों गुना जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती इतने गुना बढ़ाकर विकास के वर्तुल में नया आयाम जोड़ने के लिए काम करती है कुदरत के काम करने का तरीका आपको मालूम पड़ गया तो आप कभी कंजूसी नहीं करेंगे। इंसान कंजूसी क्यों करता है? क्योंकि उसे कुछ बातें दिखाई नहीं देती। कुदरत के काम करने का तरीका अदृश्य में है। एग्जैक्टली हुआ क्या जब आपने किसी की खुले दिल से तारीफ की? एग्जैक्टली क्या हुआ जब आपने किसी की मदद की? एग्जैक्टली क्या हुआ जब आपने दान किया? श्रम दान, सेवा दान, पैसे का दान, आइडिया का दान, विचार बोने का कार्य, किसी को सांत्वना देने का कार्य, किसी के लिए प्रार्थना, जब आपने ये किया या आपके द्वारा हुआ तब ये अदृश्य में कैसे बदलने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है, रूपांतरण होने वाला है, ये दिखाई नहीं देता। जैसे बीज के साथ जमीन के अंदर क्या चल रहा है किसी को दिखाई नहीं देता, मगर बहुत जल्द जब उसके सबूत मिलते हैं तो इंसान जानने लगता है। वह भी वह इंसान जो ये ज्ञान रखता है या जो मनन करना जानता है कि जीवन में ये चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो क्या हुआ है जिस वजह से ये सीन बन रही है नहीं बन रही है। तो ज्ञान रखने वाला, मनन करने वाला इन रहस्यों को जान जाता है तो वह सही काम शुरू करता है, वो कंजूसी से मुक्त होता है। कंजूस अपनी कंजूसी में खुश है क्योंकि उसको उतना ही पार दिखता है। उस पर जो उसका नकारात्मक असर हो रहा है ये नहीं दिखता, वरना तो कंजूस कंजूस रह नहीं पाएगा। उस पर ही नकारात्मक असर क्या हो रहा है? एक किसान बीज डालने में कंजूसी करे, जितने बीज वो खेत में लेकर गया है बचा कर आए, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये बचत करके तुमने कुदरत को काम करने का मौका नहीं दिया। कुदरत, ईश्वर, जो भी हम नाम देते हैं, इकाई या नाम दें गुणक, गुणक यानी गुणा करने वाला,
मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर जो कई गुणा बढ़ाकर देने वाला है। तो इकाई कहें, गुणक कहें, गुण कौन सा है? कुदरत का। मल्टीप्लाई करके देना, बोए बीज पर ही कुदरत काम कर सकती है, बोए बीज पर ही ईश्वर काम कर सकता है। तो बोए बीज आपके कौन से हैं? वही रिजल्ट ला रहे हैं आज आपके जीवन में जो चल रहा है। कौन से बीज बोए गए हैं और आज आप कौन से बीज बो रहे हैं? जाने अनजाने कौन से बीज बो रहे हैं, और बीज बोने के बाद जो अवस्था होनी चाहिए, क्या आप उस अवस्था में रहते हैं? अगर ये सही तरीके से किया गया तो फसल प्राप्त करने का मौसम आता है। मौसम बदलते हैं, बीज डालने का मौसम, फसल काटने का मौसम। तो जो निरंतरता से ये कार्य करते आए, कुछ लोग तो परिस्थितिवश कोई आके पैसे मांग रहा है, मुझे थोड़ी मदद करो, एक सीन क्रिएट हो गई, इसके लिए उसने पैसे दिए। परिस्थितिवश लोग बीज डालते हैं, और कुछ जानते हुए कि पृथ्वी पर उसको करना क्या है, उसको तेज विकास की नई लेवल के लिए निमित्त बनना है, एक नई स्थिति, एक नई लेवल, उसके लिए अगर आज आप बीज डाल रहे हो 9:09 पर आप एक प्रार्थना बीज डालते हो, ये बीज बेकार नहीं जाते। जो ये रहस्य जान गए वे हर दिन देखेंगे किसी न किसी वे में बीज बोए जा रहे हैं, कुदरत को मौका दिया जा रहा है काम करने का। जो भी समस्याएं आपकी हैं, आप उन समस्याओं पर रोते धोते नहीं रहते, बल्कि इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बीज डालते हैं, समस्याओं को सुलझाने का बीज डालते हैं कि ये बीज है इस समस्या के लिए। कुदरत अपना काम शुरू करे, कुदरत को थोड़ा भी मिला वो काम शुरू कर सकती है। जीरो को मल्टीप्लाई करोगे कितने भी टाइम्स, 1000 times, करोड़ों टाइम्स, जीरो इंटू जो भी नंबर डालो वापस जीरो ही आता है। यानी कोई तो बीज चाहिए, छोटे से छोटा बीज भी मिरेकल्स कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। हैप्पी थॉट्स। यस। कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे यहाँ सरश्री है, नहीं तो कहाँ क्या मिल सकता था, कहाँ कितने लोग कहाँ कहाँ भटक रहे, कितने सवाल लेके जन्मों जन्मों के बयान नहीं कर सकता सर श्री। कितने सारे ध्यान करो क्या करो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप शब्दों में एक समझ देते हैं, और वो समझ से लेकर अगर आप कुछ भी पढ़ लो तो समझ में आता है कि नहीं वही इशारा है। यस। वही पे जा रहे हैं हम लोग। वो जो मैं बार बार बड़ा तो दिखता है लेकिन वो छोटा मैं दिखता नहीं कभी,
मैं अच्छा अभ्यासक हूँ, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ये मैं छोटा सा कहीं रहता है, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं फिर भी आता ही है, ये निकालने की समझ सिर्फ आप ही दे सकते हैं सर श्री, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस संदेश के बारे में अपने विचार अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com।